तो दोस्तों ये है फायर बोल्ट कॉल स्मार्ट वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर्स के साथ, और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसका अनबॉक्सिंग के साथ रिव्यू। तो गाइस वीडियो पर बने रहे। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर ले। तो ये है हमारे पास स्मार्ट वॉच के बॉक्स के फ्रंट साइड की पैकिंग। यहाँ पे हमें इस वॉच का लुक और डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं। एंड लेफ्ट साइड की पैकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको ब्लूटूथ कॉलिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, हार्ट रेट ट्रैकिंग, मल्टीपल वॉच फेस, ये जो स्पेसिफिकेशन फीचर्स है वॉच से रिलेटेड वो आप सबको लेफ्ट वाले पार्ट पे देखने को मिल जाएंगे। एंड साथ ही राइट वाले पार्ट पे भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि मल्टीपल स्पोर्ट मोड, IP67 वाटरप्रूफ, स्लीप मॉनिटरिंग, लिसन टू म्यूजिक ऑन दी वॉच। ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको लेफ्ट एंड राइट वाले बॉक्स के ऊपर मैंशन किए गए हैं, देख सकते हो आप सब। उसके अलावा बॉक्स के नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे इस वॉच से रिलेटेड मैनुफैक्चर डिटेल और MRP मेंशन है, जो कि है 9,999 रुपये। लेकिन इसका प्राइस मैं बताऊं आपको तो यही वॉच आप सबको 4,999 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। एंड बॉक्स के बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आप सबको इस वॉच से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं कि हमें इस बॉक्स में से क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है। तो गाइस बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे आप सबको फायर बोल्ट कॉल स्मार्ट वॉच का यूज़र मैनुअल मिल जाता है एंड अदर काफ़ी सारे सब्सक्रिप्शन पैक भी मिलने वाला है आप सबको। तो इन सब चीज़ों को रख लेते हैं हम साइड में। और नेक्स्ट आप सबको यहाँ पे USB मैग्नेटिक 2 पॉइंट चार्जिंग केबल मिल जाता है, जो कि नॉर्मल ज़्यादातर स्मार्ट वॉच में यही केबल आप सबको देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे आप सबको फायर बोल्ट कॉल स्मार्ट वॉच मिलने वाला है, और इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो गाइस ये सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर से मिलने वाला, जो कि मेन है एक चार्जिंग केबल और एक स्मार्ट वॉच। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्ट वॉच का लुक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम इसकी लुक और डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको स्क्वेयर शेप का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और जो इसका लुक और डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम एप्पल स्मार्ट वॉच के जैसे ही है। एंड गाइस अब बात कर रहे थे इसके क्वालिटी के ऊपर, तो यहाँ पे आप सबको 2.5D कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिस्प्ले की क्वालिटी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने के वाले मिल जाएंगे। और अगर हम इसके डिस्प्ले की एक्चुअल क्वालिटी एंड साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आप सबको 1.7 इंच के बिग डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि HD क्लैरिटी के साथ में है। एंड इसका जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए इसके डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इस प्राइस के रेंज में इसका जो डिस्प्ले का साइज़ है। एंड अगर हम इसकी क्वालिटी जो है बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आप सबको मेटल की बॉडी देखने को मिल जाते हैं, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ में। तो इसकी जो मेटल करके ये जल्दी ब्रेक वगैरह भी नहीं हो सकता, और साथ ही में इसकी जो क्वालिटी हो बाकी अदर स्मार्ट वॉच से काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएंगे। एंड बैक साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको सेंटर में इसके सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, एंड साइड में यहाँ पे आप सबको फायर बोल्ट का जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाता है, और नेक्स्ट साइड आप सबको यहाँ पे 2 पॉइंट जो गोल्डन पिन है वो चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी जो एक्चुअल साइज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। अगर आप सब देखोगे तो ये जो स्मार्ट वॉच है वो काफ़ी स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन है। तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी ओवरऑल अगर ओनली स्मार्ट वॉच की बात की जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप सबको एक नेविगेशन बटन मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे आप सबको एक होल देखने को मिल जाता है, जो कि माइक्रोफोन होल है। और इस स्मार्ट वॉच में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिलता है, तो यहाँ से जो माइक है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड गाइस अब बात करें अगर इस स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप की क्वालिटी के ऊपर, तो यहाँ पे जो सिलिकन का यूज़ किया गया है इसकी जो क्वालिटी है वो एवरेज लगा मुझे। इस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी देखें तो थोड़ा सा मुझे एवरेज लगा। एंड यहाँ पे मेटल का बकल देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर फायर बोल्ट की जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड ये जो स्ट्रैप है हमारा ये सेम एप्पल वॉच के जैसे ही है, तो यहाँ से हम स्लाइड करके इस वॉच को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीके से इस स्मार्ट वॉच के स्ट्रैप को आप चेंज कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लगा ये भी फीचर मुझे कि आप सब इस स्मार्ट वॉच का जो स्ट्रैप है वो आप चेंज कर सकते हो। तो गाइज ओवरऑल देखा जाए इस स्मार्ट वॉच का लुक डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो यहाँ पे इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, साथ ही में आप सबको HD डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि बिग स्क्रीन डिस्प्ले है। अब गाइज बात कर लेते इसके टच रिस्पॉन्स एंड इसके UI इंटरफेस के बारे में। तो गाइज मैं यहाँ पे आप सबको टच रिस्पॉन्स दिखा रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ खुद ब खुद। तो यहाँ पे स्मार्ट वॉच का जो टच रिस्पॉन्स है पता नहीं क्यों मुझे ही इसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, या आप सबको भी, और या फिर मेरे इस स्मार्ट वॉच में थोड़ा सा इशू है। अब जैसे मैं स्लाइड करता हूँ तो नॉर्मली स्मूथ तो टच वर्क करता है, लेकिन उतना स्मूथ नहीं जितना मैंने अदर स्मार्ट वॉच के टच स्मूथनेस देखे हैं। तो मुझे इसमें थोड़ा सा मुझे खुद ब खुद फील हो रहा है कि हल्का जो टच है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ होता तो शायद ज़्यादा बेटर होने वाला होता। अगर हम इसके रिस्पॉन्स देखा जाए UI इंटरफेस, तो यहाँ पे स्लाइड ऊपर करोगे तो यहाँ पे आप इस स्मार्ट वॉच का जो ब्राइटनेस है वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। एंड साथ ही यहाँ पे
सेटिंग का बटन मिल जाते हैं, जो कि अगर स्मार्ट वॉच को रिसेट वगैरह करना हो, डायल वगैरह करना है, क्यू आर कोड है, थिएटर डिस्टर्ब मोड है, शेक ऑन कॉल रिसेट वगैरह, और काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ शॉर्टकट रिसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो ये है इसके यूआई इंटरफेस। और अगर हम इसको बैक करें और यहाँ से हम करें, तो इस वॉच का जो नोटिफिकेशन है वो नीचे से स्लाइड करके आप सब चेक कर सकते हो। एंड अगर हम इधर से राइट साइड की तरफ स्लाइड करें, तो यहाँ पे जो इसकी ग्रिड है उससे आप देख सकते हो, इसके जो स्पेसिफिक फीचर वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अगर हम इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पे आप सबको इस स्मार्ट वॉच में ऑक्सीजन ट्रैकिंग मिल जाते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाते हैं, एक्टिविटी ट्रैकर है, अलार्म क्लॉक है, कैलेंडर है, डेली वर्कआउट है, डिस्टेंस ट्रैकर है, गेस्चर कंट्रोल है, मल्टी स्पोर्ट ट्रैकर है, म्यूजिक प्लेयर है, नोटिफिकेशन है, पेडोमीटर, फोन कॉल्स रिमाइंडर है, स्लीप मॉनिटरिंग है, टेक्स्ट मैसेज है, एंड 8 डे बैटरी लाइफ देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों फायरबोल्ट कॉल स्मार्ट वॉच के एंड ओवरव्यू एंड लुक और डिज़ाइन की बात की जाए, तो यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग जो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, साथ ही में इसके जो फीचर्स वगैरह वो भी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड जो इसमें कमी मुझे लगी वो लगा मुझे इसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। एंड क्या पता मेरे इस स्मार्ट वॉच में हो रहा है, या आप सबके पास भी जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी थोड़ा टच इशू आप सबको देखने को मिल रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप सबने भी नोट किया इस स्मार्ट वॉच के टच जो इशू है वो मेरे स्मार्ट वॉच में हो रहा है या आप सब में भी हो रहा है, तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।